जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपको खबर दिखा रहे हैं गुरदासपुर से, जहां लड़कियों और विद्यार्थियों के साथ होती छेड़छाड़ के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया और एक ज्ञापन डीसी को सौंपा और मांग की कि लड़कियों की सुरक्षा को यकीनी बनाते हुए एक स्पेशल यूनिट का गठन किया जाए ताकि कॉलेज के बाहर छेड़छाड़ के मामलों पर नकेल कसी जा सके। आइए देखते हैं क्या है ये पूरी रिपोर्ट। हाँ जी, जो लड़के नाल छेड़खानी होंगी आप अपने कॉलेज तो लैके डीसी दफ्तर के सामने आए हाँ, आप अज प्रोटेस्ट किया है वा आप अपनी मतलब राइट लिए आप जरा वा अपनी मतलब आप मांग की है कि जो कपड़े हैं तो एलीगेशन लगता वो खिलाफ़ जरा वा मतलब सख्त जी कार्रवाई की जाए तो कुड़िया जी हरासमेंट जी बंद की जाए। जे ये साडा राइट है तो आप ये खिलाफ़ जी आवाज़ उठाई जी। तो कह रहा भी लड़कियों नाल छेड़छाड़ होंगी है, जे जे मामले कोई सामने आए ने, जे कोई प्रशासन दस्या तो की कार्रवाई हुई उन्होंने? कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जे होंगी तो आप इतने ना होंगे। सो ये खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, सो आप इस दे लई एक ठोस मतलब कि चाहते हैं कि कार्रवाई की जाए। किन्ने के मामले जो सामने आ गए छेड़छाड़ हूँ तक? काफ़ी ज़्यादा मामले मतलब आम होंगे ही रेंगे, अनगिनत मामले है। बस स्टैंड की किसी ने हरासमेंट होगी या मतलब छेड़खानी कुड़िया नाल बस के होगी जो भी आप कॉलेज ले आने, बट कुछ कुड़िया होंगे जी नहीं बोल पाँदी है। आप अपने खिलाफ़ बोलेंगे बट कुछ कुड़िया वा वो घर बैठ जा वा, उन्होंने तो लाइफ जी स्पॉइल हो जाती है। उन्होंने भी अवेयरनैस की जरूरत है। अगर आप अच मतलब कि अच कोई कमेटी बनी होएगी जो आप दसांगे तो कुड़िया भी अवेयरनैस आएगी, कुड़िया भी बोलनगिया। सो अज मतलब उन्होंने इनकरेज करने की बजाय उन्होंने दबाया जा रहा वा, उन्होंने कपड़िया के एलीगेशन ला के दबाया जा रहा वा। सो ये बहुत गलत है। साडिया मंगा है कि जो भी कोई भी गलत काम होंगे तो सब तो पहला एलीगेशन जरा लगता कुड़िया के। फर्स्टली गल है कि आप ब्लेम क्यों करते हैं कुड़ी के कपड़िया का जोड़ा एलीगेशन है ना वो लाना बंद किया जाए। मतलब कि सारे उन्होंने इस तरीके ब्लेम करते हैं ना कि कुड़ी कभी भी मतलब कि वह सोचती है कि मेरा तो फ्यूचर बस खत्म है, मैं नहीं हूँ कुछ भी बोलना क्योंकि उन्होंने मैंने सीधा सीधा कह दिया कि तू कपड़े नहीं सही पाए। वो इन्नी ज़्यादा डिसकरेज हो जाती है। तो दूजी मंग आती है कि एंटी हरासमेंट कमेटी बनाई जाए जिद पुलिस अधिकारी भी होगी, अपन मंग रख मतलब अपनी गल जी उन्होंने साझी कर सकी कि सू किसी का कोई डर नहीं है, जो साढ़े ना होना क्लीयरली दस सकी। अज डीसी ऑफिस अं आए कि यही लैके मतलब जो आप कॉलेज तो प्रोटेस्ट करेगा तो वे साढ़े ना होर भी किनिया कुड़िया जुड़िया सगिया, तो लेकिन मतलब कि कॉलेज के प्रशासन ने उन्होंने इवें डराया कि वह साढ़े नाल नहीं आ सकियां। इस चीज़ मतलब अं कुड़िया मतलब डरा के रखते हैं। यह चीज़ भी है आप सारे 18 के है हाँ, जो 18 तो उपर होवे क्यों नहीं अं मतलब कोई रैली कर सकते हैं? उदा क्यों कहा जाता तू ही नहीं कुछ भी करना है, अं अपने लिए लड़न हैं तो फिर मतलब कि डिसकरेज क्यों किया जाता सू हर गल। डीसी दफ्तर अपनी कुछ मंगा लैके आए थे जिदे लिखा सी कि लड़कियों नाल हुंदी छेड़छाड़ जी बंद की जाए, एक हरासमेंट कमेटी जी बनाई जाए कॉलेजेस दे विच जां बाहर जी मतलब लड़कियों नाल छेड़छाड़ हुंदी वी बंद की जाए, जिहड़ियां बस अड्डियां ते जिवें होर जगहां ते जिथे बहुत सारा पब्लीकेशन बोर्ड है उत्थे मतलब जी लड़कियों नाल छेड़छाड़ हुंदी है जां फिर लड़कियों नाल बदतमीजी हुंदी है, होर भी बहुत सारे गलत काम हुंदे ने जिन्हां दा असीं नां नहीं लैके दस सकदे, ये बंद किए जाए। जिहियां पहले भी ये कई घटना जी सामने आ चुकिया ने, इहदे बारे जिला प्रशासन नूं जां कॉलेज अपने प्रशासन दस्सिया है कि इस बारे कुछ? हाँ जी, असीं अपने कॉलेज प्रशासन नूं दस्सिया सीगा, नाले होर भी बहुत सारियां सिर्फ कॉलेजेस दे विच ही नहीं बहुत सारियां जगहां ते हुंदियां ने, असीं दस्सिया सीगा कोई ठोस कदम ना चुके जाने ते असीं डीसी दफ्तर पहुंचे हाँ। साडी मंग सिर्फ यही है कि लड़कियों नाल जिहड़ी है अनहैणी छेड़छाड़ जिहड़ी ओह बंद की जाए अते लड़कियों नूं भी बाहर जिहड़ा मतलब अपने अपने हक विच बोलण दा जिहड़ा हक दित्ता जाए। बंद करो।